अम्मी अगर मुझे ये नौकरी मिल गई तो मेरा ख्वाब भी पूरा हो जाएगा। कौन सा ख्वाब? अम्मी आप ये कैसे भूल गई? महल में नौकरी का मतलब शहजादी यास्मीन के करीब पहुंच जाऊंगा। अरे हाँ, ये मैं कैसे भूल सकती हूँ? अलादीन, महल का नाम सुनकर ना घबराहट हो रही है। दिल नहीं मान रहा तो ये नौकरी मत कर, कोई और ढूंढ ले। अम्मी आप ही तो कहती है ना, जिसके इरादे नेक हों और दिल सच्चा उसे कोई नहीं हरा सकता। आप मेरी फिक्र मत कीजिए अम्मी। तो फिक्र नहीं करेंगे, लेकिन ये बताओ कि नेक इरादे वाला सच्चे दिल वाला है कौन? मैं हूं। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं अम्मी? अम्मी मुझे हमारी जिंदगी बेहतर बनाने का और शहजादी के करीब पहुंचने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। मुझे महल में नौकरी करने दीजिए ना। समझ नहीं रहा है अलादीन, महल में सच्चाई की और ईमान की कोई कदर नहीं है। मेरे अब्बू भी ईमानदार थे, सच्चे थे, पर क्या हुआ उनके साथ तू जानता है ना। अम्मी अगर मुझे महल में नौकरी मिल गई तो शायद मैं इस राज से भी पर्दा उठा पाऊं। अब्बू पर किसने और क्यों इल्जाम लगाया था? हमारे जहन में जो सवाल बरसों से हैं, उसका जवाब भी हमें महल में ही मिलेगा। हाँ अम्मी, अगर आपकी दुआएं साथ हो तो कोई भी जंग लड़ सकते हैं। ये तो महल की नौकरी है। तूने पक्का इरादा कर लिया है तो मैं तुझे रोकूंगी नहीं। बस ये कहूंगी कि मेरी दुआ तेरे साथ है। अम्मी मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कल बगदाद में बहुत बड़ा मुकाबला होगा। पूरे बगदाद से लोग आएंगे मुकाबला करने, और जिसकी अकल ताकत और तलवारबाजी चमकेगी उसी को चुना जाएगा। तलवारबाजी? पर तुझे तो ये सब आता नहीं है। आता नहीं है तो क्या हुआ अम्मी, सीख लूंगा। कल तक का वक्त है, जान लगा दूंगा अपनी। अम्मी आपको पता नहीं मेरी तलवारबाजी कमाल की है। मेरे तलवार के एक वार से उड़ते हुए मच्छर की मूछें काट देता हूँ, और घुड़सवारी तो इतनी कमाल की करता हूँ कि घुड़सवारी करते करते घोड़ों का वजन कम हो जाता है। शेख जीनू, आपकी बकवास बंद हो गई हो तो मेरी मदद कीजिए और चलिए यहाँ से। अरे रुको रुको, मैं तुम दोनों को खाने का डब्बा दे देती हूँ, समय पर खा लेना नहीं तो। अम्मी अम्मी आप, अम्मी आप ठीक तो हैं? अम्मी आपको आराम की और ज्यादा जरूरत है। नहीं मैं ठीक हूँ। अम्मी आप हमारी फिक्र मत कीजिए, हम वक्त जाकर खाना खा लेंगे, आप आराम कीजिए। अम्मी आपको मेरी कसम। हाँ अम्मी मेरी भी। ठीक है जाओ और अच्छे से तैयारी कर। आराम कीजिए अम्मी, चलो। लगता है आज आप हमसे हारने वाले हैं। अब चलिए अपनी अग्नि चाल चलिए। अबू अपनी अगली चाल चलिए। हमको हार को जीत में बनाना आता है शहजादी। अबू ये गलत बात है, आपने गलत चाल चली है। गलत चाल? हाँ अबू, घोड़ा हमेशा 2.5 कदम आगे चलता है। आपने घोड़े को हाथी की तरह एकदम सीधा चला दिया।
अबू आपने ही तो हमें शतरंज खेलना सिखाया है, तो आप अब शतरंज खेलना कैसे भूल गए? चिलगोजा चिलगोजा, हमने आज तक सांप सीढ़ी नहीं खेली, ये शतरंज कहां से आती होती? शहजादी, घोड़ा ढाई कदम चलता है तो हम ये लंगड़े घोड़े से जंग कैसे जीतेंगे? हमें हिंदुस्तान से हाथी खरीदने चाहिए। अबू आप ना बहुत मजाक करने लग गए। लगता है हमें आपसे शतरंज सीखनी पड़ेगी। सलाम, बादशाह सलामत। सलाम। शहजादी, सब तैयारियां हो चुकी है, तो चलो आइए। अबू कहाँ आइए? अबू आप भूल गए, जुम्मे के दिन हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं? क्या करते हैं? अब वो बहुत मजाक हो गया, जुम्मे के दिन हम जरूरतमंदों को खैरात बांटने जाते हैं ना। चलिए जल्दी, सब इंतजार कर रहे होंगे हमारा। यहाँ सबसे बड़ा जरूरतमंद तो हम होती। शहजादी, हम ये नेक बात आपके मुंह से सुनना चाहते थे, हमें सब याद है। चलिए। बीबी छा गई गरीबी, आका ये सब कहां से लाए? ये सब कुछ मैंने मुस्तफा चाचा की दुकान से उठा कर लाया हूँ। जिनू, ये सारा सामान तारी का सामान है। महल के सिपाही भी इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके जंग में तालीम हासिल करते हैं। मैं भी यही करूँगा, अपनी पूरी जान लगा दूंगा, लेकिन एक दिन में एक जाबाज सिपाही बन कर रहूंगा। आका, एक दिन में घास तो उगती नहीं, तुम एक दिन में जाबाज सिपाही कैसे बनोगे? जिनू, अर्ज किया है, हम घास नहीं घोड़े हैं और हमने कई रास्ते छोड़े, मतलब मोड़े। मेरा शेर कैसा लगा? आका, अलादीन नाम तो सुना होगा, मन कर रहा है तुम्हें शेर के कत्ल में गिरफ्तार कर लूं। जिनू, तुम बहुत बुरे हो। जिनू, तुम मेरे शेर की तारीफ नहीं करते, तुम मेरे भाई नहीं हो, हटो यहाँ से। आका, अलादीन नाम तो सुना होगा, हम यहाँ पे शेर उशारी करने नहीं, तैयारी करने आए हैं। तुम मुझे ये बताओ, मुझे क्या करना है? जिनू, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत होती है। औरत? तो तुम बताओ मैं क्या करूं? जी ओ जी सुनो जी। जिनू, मेरी पूरी बात तो सुन लो। हाँ। हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत होती है, और मेरे पीछे मेरी अम्मी है, और हर कामयाब आदमी के पीछे उसका एक उस्ताद भी होता है। तो तुम मेरे उस्ताद भी हो, दोस्त भी हो, सब कुछ हो। आज से मेरे उस्ताद बन के मुझे सब कुछ सिखा दो। जिनू, मैं दर्द के मारे चीखूं, चिल्लाऊं, बेहोश हो जाऊं, लेकिन मुझे रुकने मत देना। सोच लो, अकालुद्दीन नाम तो सुना होगा। सोच गहरी हो जाए तो इरादे कमजोर पड़ जाते हैं जिनू, और ये दिल का मामला है, और मेरा दिल तो शहजादी यास्मीन है। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। ठीक है, तो मैं तुम्हारी जान निकाल के रहूंगा, मेरा मतलब है तुम्हें तैयार करके रहूंगा। ठीक है जिनू, तो मैं भी तैयार हूँ। हाँ, चलो फिर। चलो चलो, जल्दी कराओ, लंगड़े कछुए भी तुमसे तेज भागते हैं, जल्दी भागो। और तेज, और तेज। अरे जल्दी चलो, अरे जल्दी चलो, आओ तो। मेरा बटवा टूट जाएगा, मेरे बच्चे। हाँ। देख लीजिए अम्मी अब्बू, भाई मेरा भाई महल के हिफाजती टुकड़े का सिपाही बनने की तैयारी कर रहा है। कसम सोने की अशर्फियों की, हमारे पेट में जंग छिड़के, खुद जंग की तैयारी। न जाने कैसे लड्डू खिला दिए शेख चीनू ने। मजूद
कुछ भी हो जाए अलादीन को महल में सिपाही की नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। अरे मिलेगी कैसे मियाँ, ये नौकरी तो उसी को मिलेगी जो इस नौकरी के लायक होगा। ऐसी तुच्छ सी नौकरी कौन करेगा अम्मी? अरे मेरे मलाई मक्खन, मेरे सीख पराठे, तू इसके लायक है और कौन? क्या मजाक कर रहे हो अम्मी? गुलबुदन ऐसी मुलाजिमों वाली नौकरी करेगा, मैं नहीं करूंगा। अरे गधे के बच्चे, वहाँ नौकरी करेगा तो महल में जगह मिलेगी, और एक बार महल में चला गया तो तुझे कोई नेक हसीन मतलब कम खाने वाली किसी शाही लड़की को अपना बना लेना मेरे बच्चे। माचिस के डब्बे की आखिरी तिली ज्यादा फूटके ना तो यही जला के राख कर दूंगी। मैं समझ गया अम्मी अबू, आप वो पिद्दी की बात कर रहे हैं ना? इतना समझदार है मेरा बच्चा। कोयले की राख चांदी की चमक क्या जानेगा मेरे बच्चे, मैं शहजादी यास्मीन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो भी अच्छी है। उल्लू बेटा, मेरे पेट में लड्डुओं की जंग फिर से शुरू हो गई, लेकिन असली जंग तुझे जीतनी है। और खबरदार, अलादीन इस टुकड़ी में शामिल नहीं होना चाहिए, तुझे तेरी अम्मी का वास्ता, तेरी अम्मी का वास्ता। हम यूं गए और यूं आए, कहां चल दिए? पता नहीं अम्मी अबू ने कौन से हलवाई के लड्डू खा लिए। वैसे भूख तो मुझे भी लगी है, कुछ खा के आता हूं। मोड़ने वाले रास्ते पे लेटते नहीं है, उठो जल्दी करो, चलो चलो उठो, हमारे पास वक्त नहीं है। चिनू, थोड़ी सांस तो लेने दे भाई। चिनू नहीं, उस्ताद कहो, और उस्ताद ने जो एक बार कह दिया सो कह दिया। साची, तलवारबाजी कर लेते हैं। तलवारबाजी कर लेते हैं, ये फैसला चेला नहीं उस्ताद लेगा। बैठे की तुम उस्ताद नहीं बगदाद के बादशाह हो गए हो। मैं तुम्हारा आका हूं ना, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि अब तलवार बाजी की जाएगी। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीब, जो हुक्म मेरे आका। वहां कोई है, हम उस तरफ नहीं जा सकते। अलादीन नाम तो सुना होगा, तलवारबाजी में ताल से ताल मिलानी होती है, और दुश्मन जैसी हरकत करे वैसे अपने कदम बढ़ाने चाहिए, और अगर जंग में जीतना हो तो एक कदम आगे रहना होगा। जिनू बता के तो मारो। आका अलादीन नाम तो सुना होगा, जंग में कोई बता के नहीं मारता। आका, उछल कूद बंद करो, तलवारबाजी करो। ठीक है, माफ कर दो। जिनू, जिनू, आराम से, आराम से। अलादीन नाम तो सुना होगा, तुम्हें यहाँ पे ये डंडी लग गई, सोचो वहाँ भी क्या करोगे। वहाँ, वहाँ मैं मर जाऊंगा और क्या। जिनू, ये लकड़ी से मैं यहाँ तैयारी कर रहा हूँ, और वहाँ, वहाँ मेरे सामने तलवार होगी, मैं ऐसे नहीं जा सकता। हाँ, बात तो सही कह रहे हो। अलादीन नाम तो सुना होगा, अगर मैं तुम्हें जिरा बख्तर और तलवार ला दूं तो इससे तुम्हारी तैयारी भी हो जाएगी और तुम बच भी जाओगे। ऐसा हो सकता है? हाँ। तो फिर क्या क्या बात है, तो फिर जल्दी करो अभी। लो, आते बाते दही चटाके, जादू वाले चले पटाके, घोड़े को थोड़ी सी घास खिला दूं, आका के लिए लिबास ला दूं। जिनू,
तुम्हारा जादू फिर से आधा हुआ। कोई बात नहीं, मैं फिर से कोशिश करता हूँ। आते बाते दही से ताके जादू वाले चले पटाके, अपनी नाक कटने से बचाना है, आका का पूरा लिबास लाना है। जिनू, मुझे शहजादी के करीब पहुंचना है, शहजादी नहीं बनना। कोई बात नहीं आका, गलती हो गई, सारा सामान इधर उधर ही है, मैं लाता हूँ। जिनू, देखा मेरा कमाल, अब ऐरे गेरे क्या, चंगेज खान की तलवार भी इस चिरे बग को काट नहीं सकती। चलो चलो। सुभान अल्लाह, क्या जीरा बख्तर, इसे पहन लिया तो आदमी जंतु वही खत्म। इसे मुझे भाई मेरे भाई से चुराना ही होगा। भाई मेरा भाई। अब हुजूर, हमें लगता है कि बगदाद की आवाम के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा नौकरियों का इंतजाम करना चाहिए, ताकि बगदाद में कोई भी जरूरतमंद किसी भी मुश्किल में ना। हम इस बारे में जरूर अमल करेंगे। बामुलाइजा, होशियार, बगदाद के शाने तख्त, बादशाह सलामत और बगदाद की अजीम शहजादी यास्मिन तशरीफ ला रही हैं। रिवायत के मुताबिक पहली खैरात आप पेश करेंगे अब्बा हुजूर। हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर। बैठे बैठे अचानक इतनी घबराहट क्यों हो रही है? अलादीन और जीनू भी आए नहीं अभी तक। मैं खुद ही जाकर उन्हें खाना दे आती हूँ। मेरे गांव में एक अंधा पुला था, उसका निशाना भी तुमसे अच्छा था। ध्यान से। संभाल क्या का? ऐसे निशाना लगेगा तो खाक में महल या शहजादी की हिफाजत कर पाऊंगा। जब मैं एक जिन बन सकता हूँ और मुझे मैदान जंग का इल्म हो सकता है, तो तुम एक महल की हिफाजत नहीं कर सकते। ध्यान से काम करो। हिम्मत ए मर्दा, मदद ए खुदा। उठो, ध्यान से। भाई मेरे भाई, मेरे हसीन हुस्न और मलाई जैसे इस चेहरे को इस जीरो बख्तार की तुमसे ज्यादा जरूरत है। और वैसे भी अम्मी अबू ने तुम्हारा खेल बर्बाद करने के लिए भी तो बोला है। बस तुम्हारी कमी थी गुल्लू। आका अलादीन नाम तो सुना होगा, तुम अपनी तैयारी करते रहो, मैं अभी आया। कहाँ जा रहे हो? बस आता हूँ। संध्या लीजा काले चोर के रखवाले के बहुत करीब पहुंच चुका है। हे
जनाब आखिर मसला क्या है, हमारी तलाशी क्यों ली जा रही है? आप औरतों की तलाशी इस तरह से नहीं ले सकते। हमें काम पे पहुंचना है जनाब, थोड़ा रहम करो ना। खामोश, अपनी जुबान पे लगाम दो। हमारे खिलाफ आवाज उठाना यानी सल्तनत के खिलाफ आवाज उठाना है। चुपचाप अपनी अपनी तलाशी दो वरना गद्दारी के जुर्म में गिरफ्तार कर लिए जाओगे। अलीजा को लगता है तुम्हारे आदमियों ने बगदाद के मगरिबी इलाके को अपनी गिरफ्त में कर लिया है। हमें यकीन था कि हो न हो तुम जरूर कामयाब होंगी। हमें तुम्हारा ये अंदाज पसंद आया। बस एक बार उस काले चोर का रखवाला हमारे हाथ लग जाए तो जादुई चिराग भी हमारा हो जाएगा। जाल तो बिछा दिया है, बस अब इंतजार है रखवाले के फंसने का। एक भी इंसान बिना तलाशी के जाने ना पाए। तुम बिना तलाशी दिए जा नहीं सकती। तलाशी? हाँ, सूबेदार अकबर का हुक्म है, तुम हमारे साथ चलो।